हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की, ठीक है। और जो अपना चैप्टर है वो कौन सा है, जैकोबियन चैप्टर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। जो आपका जैकोबियन चैप्टर है, इससे एग्जाम पे हर साल 5 से 7 नंबर का पूछा जाता है आपका। 5 से 7 नंबर आपका हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है और 1-5 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है दोस्त। तो जो आपका जैकोबियन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरी पूरी गारंटी है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको जैकोबियन 100% आएगा और आपको 5 से 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो बात करते हैं जैकोबियन की डिफिनीशन की। जैकोबियन की डिफिनीशन क्या होती है, देखिए। यदि यू तथा वी दो स्वतंत्र चर हों, एक्स तथा वाई के फलन हैं, तो सारणिक, कहने का मतलब यू तथा वी दो स्वतंत्र चर हैं, एक्स तथा वाई के फलन है। तो यू का एक बार हम एक्स के सापेक्ष आकलन करेंगे, यू का एक बार हम वाई के सापेक्ष आकलन कर देंगे, और वी का एक बार हम एक्स के सापेक्ष आकलन करेंगे, और वी का एक बार हम वाई के सापेक्ष आकलन करेंगे। जो कुछ आएगा उसके बाद सारणिक में रख देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। को एक्स कामा वाई के सापेक्ष वी तथा यू तथा वी का जैकोबियन कहते हैं, ठीक है दोस्त। ये तो आपके दो चर थे तब की बात है। देखिए, जैकोबियन को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, डेवर u कामा डेवर v अपॉन डेवर x कामा y, या फिर j u कामा v अपॉन x कामा y, ऐसे भी जैकोबियन को हम लिख सकते हैं, या फिर j u कामा v कहते हैं। तो अगर आपको इस फॉर्म में भी दिखाई दे तो आपको घबराना नहीं, इन तीन तरह से हम जैकोबियन को डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जब इसके तीन दिखाई देंगे, तीन चर होंगे इसमें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, इसी तरह तीन फलनों यू कामा वी तथा डब्लू का एक्स कामा वाई कामा जेड के सापेक्ष आपको जैकोबियन ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डबर यू कामा वी कामा डब्लू अपॉन डबर एक्स कामा वाई कामा जेड, कहने का मतलब दोस्त यू का एक बार एक्स के सापेक्ष आकलन, यू का एक बार वाई के सापेक्ष आकलन, यू का एक बार जेड के सापेक्ष आकलन। देखिए वही किया हुआ है, यू का एक बार एक्स के सापेक्ष आकलन किया, एक बार U का Y के सापेक्ष, और एक बार U का Z के सापेक्ष किया, ठीक है दोस्त। और इसी तरह एक बार V का Y के सापेक्ष, एक बार X के सापेक्ष, एक बार V का Y के सापेक्ष, और एक बार Z के सापेक्ष, देखिए वही किया गया हुआ, ठीक है। उसी तरह W का एक बार X के सापेक्ष, W का एक बार Y के सापेक्ष, और W का एक बार Z के सापेक्ष, देखिए ये वही किया गया। उसके बाद सारणिक में जो आएगा रख देंगे, सारणिक को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये सबको सॉल्व करना आता है, क्लास 12 से आप लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो अब कुछ इसके हम लोग जो सवाल है उसकी बात कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो काफ़ी बार एग्जाम पर पूछा जा चुका है दोस्त, ठीक है। 1-2 नंबर पर पूछा गया, ठीक है। तो दोस्त आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक्स बराबर आर कॉस थीटा कामा वाई बराबर आर साइन थीटा, तो दिखाइए डेवर एक्स कामा वाई अपॉन डेवर आर कामा थीटा तथा डेवर आर कामा थीटा अपॉन डेवर एक्स कामा वाई का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्त। हमने आपको बताया था इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्त सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिख ले रहे हैं, डेवर एक्स कामा वाई अपॉन डेवर आर कामा थीटा, ठीक है दोस्त। ये आपको दिया गया है, कहने का क्या मतलब है, सारणिक का निशान लगाएंगे दोस्त, ठीक है। एक्स का एक बार आर के सापेक्ष आकलन, ठीक है, और एक्स का एक बार थीटा के सापेक्ष आकलन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवर एक्स अपॉन डेवर आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेवर एक्स अपॉन डेवर थीटा। अब इसी तरह दोस्त वाई का एक बार आर के सापेक्ष आकलन और वाई का एक बार थीटा के सापेक्ष आकलन, डेवर वाई अपॉन डेवर आर, डेवर वाई अपॉन डेवर थीटा, ठीक दोस्त। इतना आपको समझ में आ गया, इसको हमने क्या किया, सारणी फॉर्म पर चेंज कर लिया, ठीक है दोस्त। तो अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, डेवर एक्स अपॉन डेवर आर की वैल्यू चाहिए, डेवर एक्स अपॉन डेवर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इन सब की हमें वैल्यू चाहिए। तो कैसे वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर आपने क्वेश्चन पर देखा एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, तो क्या होगा, इसका हम एक्स का जो है आकलन कर देंगे किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष करेंगे दोस्त। इसका जब हम आकलन करेंगे तो आपका क्या आने वाला, देखिए आप चाहे तो अलग से कर भी रख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप लोगों को आते हैं, इसमें से मैं पहले से बता दे रहा हूँ। आकलन जब इस x का आकलन आप करेंगे इसका r के सापेक्ष, तो आपका क्या आएगा,
आर आपका दोस्त क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा वन, और कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा आर का वन हो गया और कॉस थीटा यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसी तरह जब आप एक्स का है थीटा के सापेक्ष करेंगे, जब इसका आप थीटा के सापेक्ष दोस्त अवकलन करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, आर आपका कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा का दोस्त आपका क्या होगा माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त माइनस का आर साइन थीटा हो गया, ठीक है दोस्त। इतना आपको समझ में आ गया, आप चाहें तो इनका अलग से भी निकाल कर रख सकते हैं। अब इसी तरह मैं डेवर वाई अपॉन डेवर एक्स, तो ये क्या है, इसका मैं आर के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा जब इसका करेंगे तो आर का वन हो जाएगा, साइन थीटा आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्त क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह अब डेवर वाई अपॉन डेवर थीटा, तो इसका जब हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर इसके लिए दोस्त क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आर आपका कॉन्स्टेंट हो गया, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा होता है, यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, और दोस्त हम लोग सारणी को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, सारणी को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, कॉस थीटा और कॉस थीटा गुणा कितना होगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का निशान लगता है तो माइनस का निशान लगाया, लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन थीटा इंटू आर साइन थीटा आपका क्या होगा आर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है दोस्त। अब इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर आपको दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो जब आर आपका दोनों से कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा दोस्त आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की दोस्त वैल्यू कितनी होती है आपकी वन होती है, आर इंटू वन, तो इसका दोस्त आंसर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये लिख भी सकते हैं डेवर एक्स कामा वाई अपॉन डेवर आर कामा थीटा बराबर इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आर। देखिए दोस्त कितना सिंपल था, बस बेसिक आना चाहिए और बाकी सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इसकी वैल्यू आपको मिल गई क्या होगी आर होगी। अब दोस्त हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको नोट करेंगे, इसी फॉर्म में इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग डेवर आर कामा थीटा अपॉन डेवर एक्स कामा वाई, ये आपको दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे सारणी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो इसको जब हम लोग सारणी फॉर्म में चेंज करेंगे दोस्त तो आपका क्या आने वाला है देखिए, डेवर आर अपॉन डेवर एक्स, आर का एक बार एक्स के सापेक्ष, आर का एक बार वाई के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डेवर आर अपॉन डेवर वाई। इसी तरह थीटा का एक बार एक्स के सापेक्ष डेवर थीटा अपॉन एक्स, इसी तरह थीटा का एक बार वाई के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा डेवर थीटा अपॉन डेवर वाई, और यहाँ पर ये डेवर एक्स हो जाएगा। इतना आपको दोस्त समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, डेवर आर अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू चाहिए, डेवर आर अपॉन डेवर वाई की वैल्यू चाहिए, डेवर थीटा अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू चाहिए, डेवर थीटा अपॉन डेवर वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपको जो ये दिए गए थे, आपको जो ये दिए गए हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा इनको लिख लेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, दोस्त इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर एक दे देंगे और इसको समीकरण नंबर दो देंगे। अब लोग यहां पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो को वर्ग करके जोड़ने पर, तो मैं यहां पर आपको डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, आप यहां पर लिख दीजिएगा समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो को वर्ग करके जोड़ने पर। इतना आपको समझ में आ गया, जब इसको वर्ग करके दोस्त जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर बराबर में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्त, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दोस्त कितनी होती है वन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्त। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका समीकरण नंबर एक है और समीकरण नंबर दो, इनको क्या करेंगे भाग दे देंगे, लिख देंगे हम लोग यहाँ पर अब समीकरण दो, हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि इनकी जो वैल्यू है वो निकल आएंगी, ठीक है। समीकरण नंबर दो
भागे समीकरण एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका भाग हम इसमें देंगे तो आपका दोस्त क्या होने वाला है, आर साइन थीटा। हम लिख नहीं रहे, हम शॉर्ट पे कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। जब समीकरण नंबर दो का और समीकरण नंबर एक में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वाई अपॉन एक्स, ये इतना हो जाएगा, आर से आर दोस्त कट जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा टेन साइन अपॉन कॉस, आपका क्या होता है दोस्त टेन होता है, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा वाई अपॉन एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर टेन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो गया। इतना आपको दोस्त समझ में आ गया, अब आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, आपको ये समीकरण मिल गया था एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए दोस्त, आपको वैल्यू यहाँ पर डेवर आर अपॉन डेवर एक्स की चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है एक बार हम लोग एक्स के सापेक्ष आकलन कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी डेवर आर अपॉन डेवर एक्स की, जब इसका एक्स के सापेक्ष दोस्त आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका टू एक्स हो जाएगा, ये वाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका टू आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डेवर आर अपॉन डेवर एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका टू इससे इस टू से कट जाएगा, तो क्या आपका बनेगा ये डेवर आर अपॉन डेवर एक्स बराबर एक्स अपॉन आर, ये आपका एक्स अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। एक्स बराबर हमें वैल्यू क्या मिली थी, यहां से आप लिख सकते हैं एक्स बराबर दोस्त क्या लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे एक्स बराबर आर कॉस थीटा, बटे में आर नीचे है पहले से, तो ये क्या हो जाएगा इससे ये कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा कॉस थीटा। दोस्तों हमें किसकी डेवर आर अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू मिल चुकी, क्या है वो आपकी कॉस थीटा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसी का एक बार क्या कर दें, वाई के सापेक्ष अगर आकलन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, हमें अगर इसका एक बार वाई के सापेक्ष दोस्त आकलन कर दें तो हमें मिल जाएगा डेवर आर अपॉन डेवर वाई मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका एक बार हम पुनः वाई के सापेक्ष जब आकलन करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस ये आपका टू आई हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया टू आर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेवर आर अपॉन डेवर वाई, इस टू से ये टू आपका दोस्त कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचने वाला है, अब उसको देख लेते हैं, डेवर आर अपॉन डेवर वाई बराबर y अपॉन आर, तो दोस्त इस y की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं r साइन थीटा लिख सकते हैं, क्वेश्चन से जब r साइन थीटा लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका नीचे पहले से r, तो इस r से यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए दोस्त, अब हम लोगों को वैल्यू इसकी चाहिए डेवर थीटा अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे इसका जो हम लोगों ने जो इसका भाग दिया था ना थीटा के सापेक्ष, इसका जो हम लोग आकलन करेंगे, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, थीटा बराबर टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है दोस्तों, हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए इसका एक बार एक्स के सापेक्ष जब आकलन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका डेवर थीटा अपॉन डेवर एक्स, इसको पूरे को क्या करेंगे दोस्त एक्स मान लेंगे, टेन इनवर्स एक्स का आकलन दोस्त क्या होता है आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दोस्त यहाँ पर एक्स तो था नहीं, वाई अपॉन एक्स था, तो इसका जब हम पुनः करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा वाई आपका कॉन्स्टेंट में बाहर जाएगा, वन अपॉन एक्स का होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इतना होगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आने वाला है उसको देख लेते हैं दोस्त, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एक एक्स स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा
डेवर थीटा अपॉन डेवर एक्स की आपकी वैल्यू क्या आने वाली दोस्त, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पर दोस्त हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, आर स्क्वायर, हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, इतना आपको पता है। और वाई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, इससे ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन आर आपका बच जाएगा। दोस्त इतना आपको समझ में आया। अब इसी तरह हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका एक बार हम लोग वाई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आपका अवकलन होगा डेवर थीटा अपॉन डेवर वाई। ठीक है दोस्त, बराबर टैन इनवर्स का जो हम लोग वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका दोस्त क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई का क्या हो जाएगा दोस्त, आपका जब बाद में वन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स बच जाएगा आपका। ठीक है, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया आपका, नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वन अपॉन एक्स इससे कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेवर थीटा अपॉन डेवर वाई बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर दोस्त हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। और इस एक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा लिख सकते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये आपका कट जाएगा। तो दोस्त हमको सबकी कुल मिलाकर वैल्यू मिल चुकी है। अब आप देख सकते हैं हमें डेवर आर अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू मिल गई, डेवर आर अपॉन डेवर वाई की वैल्यू मिल गई, डेवर थीटा अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू मिल गई, डेवर थीटा अपॉन डेवर वाई की वैल्यू मिल गई। तो हमें कुल मिलाकर दोस्त सबकी वैल्यू मिल चुकी। अब उन सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो एक बार इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं ताकि आप इन सबकी वैल्यू क्या है रख सकें। डेवर आर अपॉन डेवर एक्स, डेवर आर अपॉन डेवर वाई, डेवर थीटा अपॉन डेवर एक्स, डबर थीटा अपॉन डबर वाई। ठीक है, तो इन सब की दोस्त हमें वैल्यू मिल चुकी थी। इन सब की जब हम वैल्यू रख देंगे तो आपका क्या होगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। डबर आर अपॉन डबर एक्स की आपको वैल्यू मिली थी, क्या आया था उसकी बात कर लें। डबर आर अपॉन डबर एक्स आपका क्या आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस थीटा आया था। ठीक है दोस्त, डबर आर अपॉन डबर वाई आपका क्या आया था, साइन थीटा आया था। दोस्त हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आपका, यहाँ पर कॉस थीटा हो गया आपका, ये आपका साइन थीटा हो गया। ठीक है दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया। अब डेवर थीटा अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये कॉस थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, अब इसमें हमको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, वन अपॉन आर कॉमन मिल रहा है दोस्त। ठीक है, तो पूरी सारणी से हमें क्या मिल रहा है, वन अपान आर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो अंदर आपका क्या बचेगा, कॉस थीटा, पूरे इससे हमें वन अपान आर कॉमन मिल गया, तो बचेगा कॉस थीटा, साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है दोस्त, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा, इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर कुछ आपका माइनस का था। ठीक है दोस्त, आपका जो ये वाला साइन है ये आपका माइनस का होगा, देखिए यहाँ पर माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब इसका गुणा इसमें होगा तो इसका गुणा जब इसमें होगा ये माइनस का हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या होगा आपका, वन अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह होता है लेकिन यहाँ पर माइनस पहले से जो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोस्त जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो वन के बराबर होता है। तो इसका दोस्त जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, अब डेवर आर कामा थीटा अपॉन डेवर एक्स कामा वाई बराबर वन अपॉन आर, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, ये वन के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। हमें यही प्रूफ करके लाना था, हमें इन दोनों की वैल्यू लानी थी, तो इसकी वैल्यू दोस्त आर आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/r आ गई। तो दोस्त इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्त अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो दोस्त अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। देखिए, आपको बोला गया यदि u बराबर एक्स स्क्वायर कामा v बराबर वाई स्क्वायर है, तो डेबर u कामा v अपॉन डेबर x कामा y का मान ज्ञात करो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन यार, ऐसा क्वेश्चन दो नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो दो नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग दोस्त, इस बार हम लोग पहले मान निकाल लेते हैं, बाद में सारणिक में रखेंगे जाकर, ठीक है। तो डेबर u का एक बार हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और डेबर u का एक बार हम लोग y के सापेक्ष करेंगे। तो इसका एक बार हम लोग x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आपका, डेबर u अपॉन डेबर x, तो क्या हो जाएगा आपका ये दोस्त 2x हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग एक बार इसका क्या करेंगे, एक बार y के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे दोस्त तो कितना आएगा, डेबर u अपॉन डेबर y, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर कोई y वाला टर्म आपको दिख रहा है नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह हम लोग v वाले का एक बार किसके सापेक्ष करेंगे, एक बार x के सापेक्ष करेंगे और एक बार y के सापेक्ष करेंगे, तो क्या होगा, डेबर v अपॉन डेबर x। दोस्त अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसका जो हम लोग एक बार किसके सापेक्ष करेंगे दोस्त, इसका एक बार हम लोग जो x के सापेक्ष करेंगे तो डेबर v अपॉन डेबर x का, तो यहाँ पर कोई x वाले टर्म तो है नहीं दोस्त, तो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग इसका एक बार किसके सापेक्ष करेंगे, डेबर v अपॉन डेबर y के सापेक्ष जब इसका करेंगे तो कितना आएगा आपका दोस्त, ये आपका 2y हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा इसका 2y हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सारणिक फॉर्म पे लिख देंगे और सारी वैल्यू उठाकर रख देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है सारे, देखिए डेवर u कामा v अपॉन डेवर x कामा y, ठीक है दोस्त, बराबर सारणिक फॉर्म में क्या करते हैं, हमने कैसे बताया था आपको, डेवर यहाँ पर u दिया है तो u का एक बार x के सापेक्ष, u का एक बार y के सापेक्ष, डेवर u अपॉन डेवर x, डेवर u अपॉन डेवर y, ठीक है। अब इसी तरह डेवर v अपॉन डेवर x, डेवर v अपॉन डेवर y, इतना दोस्त आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू हम लोगों को पूरी तरह से मिल चुकी है, क्या होगी देखिए, इसकी डेवर u अपॉन डेवर x, पहले हम लोग क्या करते थे, वैल्यू नहीं निकालते थे डायरेक्ट, पहले इसको कर लेते थे फिर वैल्यू निकाल कर यहीं पर रख देते, लेकिन इस बार हमने पहले ही वैल्यू निकाल दी, बाद में इसको किया है तो कोई दिक्कत की बात उसमें नहीं है। इसकी जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो दोस्त आपका क्या आने वाला है, डेवर u अपॉन डेवर x की वैल्यू कितनी आपकी 2x, डेवर u अपॉन डेवर y की वैल्यू कितनी दोस्त आपकी 0, ठीक है। इसी तरह डेवर v अपॉन डेवर x की वैल्यू कितनी आपकी दोस्त 0, डेवर v अपॉन डेवर y की वैल्यू आपको कितनी दी गई 2y। ये यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्त, कमेंट आप लोग नहीं करते प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए यार, अगर कुछ भी वीडियो में कमी वगैरह हो तो बता दीजिए करिए, ताकि मैं उसको आगे इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। अब जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसका सारणिक को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये, इसका गुणा जब इसमें होगा 4xy माइनस का 0, तो इसका दोस्त आपका आंसर क्या आने वाला है 4xy दोस्त, यही आपका आंसर था, ठीक है दोस्त। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, यह आपका आंसर आया 4xy, इतना आपको समझ में आएगा दोस्त। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू क्लास के साथ, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जैकोबियन के, जिसमें आपको तीन चर दिए गए होंगे, ठीक है। वो आपका 5 नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 चर वाला, 2 चर वाला है आपका 2 नंबर पर पूछा जाता है, 3 चर वाला जो होता है आपका वो 5 नंबर पर पूछा जाता है, और हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा वो 100% आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है।